नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रोफेसर अशोक रोड़ा। आज सुबह सुबह यहाँ न्यू महावीर नगर इलाके में चोरी हो गई है और सुबह करीब 6-7 बजे का टाइम बताया जा रहा है, जब नकाब मास्क पहना हुआ था और CCTV में उनकी फुटेज आई है और मास्क पहने हुए ने उन्होंने कमरे मकान के अंदर गए हैं और वहाँ से कुछ सामान वगैरह चोरी किया हुआ है। तो इसमें पुलिस मौजूद है और क्राइम ब्रांच की टीम भी अंदर इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम जो मकान के मालिक हैं उनसे भी अभी बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ है और यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों ख़राब है, ये लोगों से भी हम जानकारी लेंगे। इसमें ये M24 है, यहाँ पे सुभाष कालरा का ये मकान है जहाँ पे ये चोरी हुई है और इस समय यहाँ पे क्राइम ब्रांच की टीम अंदर मौके पे है और वो फॉरेंसिक साइंस वाले चेक कर रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पे और पुलिस भी मौके पे मौजूद है। चोर जो हैं इसी गेट से अंदर एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद चोर यहाँ पे आते हैं। ये M24 यहाँ पे है, सुभाष कालरा का जो मकान है, यहाँ पे गेट बंद होता है। ये इस तरह से गेट बंद था यहाँ पे और उस गेट को ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है, इनर लॉक लगा हुआ है और उन्होंने इस इनर लॉक को ज़ोर से खींचा है और खींचने से ही, हालांकि ये इसमें 3 बार इसको चाबी घुमानी पड़ती है तब लॉक लगता है और पता नहीं उनके पास क्या टेक्निक थी, उन्होंने यहाँ से तोड़ के इसको अंदर घुसे हैं और अंदर घुसने के बाद वो ये एक दरवाज़ा है, ये तो ऑलरेडी क्योंकि वो पार्क जाते थे तो खुला ही रहता है तो यहाँ पे वो खुला था और फिर वो अंदर आए हैं और अंदर आने के बाद वो हम बात करते हैं सर जिनका मकान मालिक हैं। सर क्या हुआ था, आप सवेरे पार्क गए हुए थे तो क्या हुआ था? ऐसे है जी, मैं सुबह सैर करने 6:30 जाता हूँ और वहाँ से 7:45 आया तो मेरे घर के सब दरवाजे टूटे पड़े, अलमारियाँ टूटी पड़ी थी। हाँ जी, तो आप ये वाला लॉक लगाया हुआ था आपने? बाहर वाला लॉक लगा रखा था मैंने। अच्छा, तो लॉक तोड़ा नहीं है, उन्होंने धक्का दे के पता नहीं कैसे खोल दिया। ये वाला खुला ही था? ये तो खुला ही, ये खुला हमें खुला ही रहता है। तो उनको भेदी होंगे, हो सकता है उनको पता होगा कि भाई आप सवेरे पार्क जाते हैं। हाँ, सुबह जाता हूँ, सवेरे पार्क जाते हैं। तो ये आप यहाँ रहते हुए कितना साल हो गया आपको? मेरे को 26-27 साल हो गए। 26-27 साल से आप रह रहे हैं, पहले कभी कुछ हुआ है? अभी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आपके आपकी बेटी भी आई हुई थी, आप बता रहे थे कि मेरी बेटी आई हुई थी, वो भी मेरे जाने के बाद, वो भी उन्होंने बिंद्रा बन जाना था, मतलब उनके पास भी चाबी थी, वो लॉक लगा के चली गई। उनके पास भी चाबी थी एक-एक मेरे पास। वो लॉक तो अंदर का दिखाएंगे जरा, अंदर कहाँ जो आपके हुई है। ये अंदर चोर आए हैं और चोर अंदर आने के बाद अलमारियाँ वगैरह सारी ये उनमें चोरी की है उन्होंने। तो ये देखिए, ये सारा सामान बिखरा पड़ा है यहाँ पे, ये सारा खोल गए हैं। हाँ, ये भी टूटा पड़ा था ये सारा। ये हाँ जी, ये है ना, अच्छा चेक करके गए हैं ना ये देखिए, ये लॉकर को भी तोड़ दिया है और ये आधे घंटे के अंदर अंदर ये इतना काम कर दिया उन्होंने, यहाँ पे सारा बिखेर दिया है। अब इनकी बेटी वृंदावन गई हुई है, वो वृंदावन से आएगी तो वो देखेगी कि क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ। तो आप देखिए कितनी हैरानी की बात है, दिन दहाड़े सवेरे 7 बजे 6:30 बजे चोरी होती है, 6:30 के बाद। और आप कितने बजे आ जाते हैं वापस? 7:30-8 आ जाते हैं, 7:30-8 वापस आ जाते हैं। तब तक आया मेरा पिछला दरवाजा खुला पड़ा था। कौन सा दरवाजा? यहाँ से चोरी करके ये इधर का दरवाजा इनका खुला पड़ा था, ये भी खोल गए। ये देखिए, ये बैंड को भी इन्होंने खोल दिया है और यहाँ से ये दरवाजा, बैक वाला मेरा दरवाजा है। हाँ, ये बैक 5 नंबर गली है रोड से आ रहा, यहाँ से तो मैंने देखा मेरा दरवाजा खुला पड़ा है। और अभी कुछ महीने पहले यहाँ भी चोरी हुई थी, मैं आया था यहाँ पे एक ऊपर थर्ड फ्लोर पे चोरी हुई थी यहाँ पे, और लैपटॉप ले गए थे, शाम का टाइम था, लैपटॉप चोरी करके ले गए थे यहाँ पे। तो देखिए ये दरवाजा यहाँ से ये चोरी करके ले गए थे ऊपर तक यहाँ पे, 7 बजे चोरी कर ले। यहाँ पे ये देखिए कितना नुकसान हो इनका हुआ है। अब कितना एस्टिमेट है ये जान से ही पता लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये सारा बिखरा पड़ा है, पूरा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। जा चुकी
है। यहाँ पे मौके पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जो पड़ोस के लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर पहले अपना नाम बताइए। लकी राम जी, आपको कब पता लगा कि चोरी हो गई? सुबह सवा छः बजे पौने आठ बजे वापिस आए, उसी दौरान अच्छा। तो फिर आपने सीसीटीवी आपके लगे हुए हैं यहाँ? हाँ, सीसीटीवी में जो है उसकी फुटेज आ गई है। हाँ जी, हाँ, जिस मोटरसाइकिल से वो आए गए हैं वो मोटरसाइकिल का नंबर आया है, और तीन आदमी हैं जिन्होंने मुंह पे मास्क लगाया। अच्छा, तो पहले भी इलाके में इसमें क्या माहौल है यहाँ पे? इसी तरह इसी गली में हमने भी हुई है चोरी, दो तीन दिन पहले ही हुई है। उसमें भी यही तीन आदमी इन्वॉल्व, उसमें भी तीन इधर पाँच नंबर गली में भी पहले आप गली नंबर 10 में भी हुई है चोरी? हाँ जी, गली नंबर 10 में। क्या अपना नाम बताइए? राजीव कुमार। C25। क्या हुआ था वहाँ पे? उसमें तीन चोर सुबह 5 बजे के आसपास 5:31 पे हमारा पूरा ऑफिस है वही बाहरी छान के लिक्विड ले गए। लिक्विड भावक का ऐसे मिला नहीं होता तो वो थोड़ा तारा तोड़ गया, वो ताला नहीं थी, उन्होंने शरीर से तोड़ दिया। ये आगे ही है थोड़ा सा जाता है चोरी कर लिया मतलब इलाके में चोरी काफ़ी। और इधर एक और एडवोकेट है, हमारे एडवोकेट है, एक और एडवोकेट है, उनके भी चोरी हुई, उनके यहाँ भी चोरी, उनके भी चोरी दिन के टाइम वो इसी समय मतलब मेरे यहाँ साढ़े 5 भी चोरी हुई है, उनके यहाँ करीब ऐसी हुई है 5 बजे 5:30 से आता। तो देखिए ये दिन के समय यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं और ये कानून व्यवस्था है। आज हम गली नंबर 4 में यहाँ पे चोरी हुई है, तो हमारे यहाँ पे भी नरेश अरोड़ा जी हैं जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ऐसे बात करते हैं। तो कैसे यहाँ का माहौल है, कैसा माहौल खराब हो पड़ा है? चोरी, डकैती, चेन स्कैचिंग, और यहाँ पे लोग बाहर शराब पी के वो पड़े रहते हैं, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, आजकल जो ये घटनाएं दिनों-दिन बढ़ रही हैं चेन स्नैचिंग की, चोरी की, अभी गली नंबर 3 में कुछ ही पीछे कुछ दिनों में 2 बाइक वगैरह चोरी हो चुकी हैं, तो हालात तो दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। अब ये सवाल देखना है कि इसको हालात को काबू कैसे किया जाए। अब सुबह 7 बजे ये पार्क गया और 15 मिनट के अंदर ये चोरी हो गई है, तो इसका सोचो कि लोग चोर है कितने सतर्क हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हम लोग सतर्क नहीं है, और जिसमें हम सारा दोष मोस्टली पुलिस वालों के ऊपर डालते हैं, तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं? हमारी पहली जिम्मेदारी पुलिस को सुस्त काम कर रही है, क्योंकि उनको ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, वो ढंग से उनको काम नहीं करने देते या गलत जगह पर उलझाए रहते हैं इनको, तो उन नेताओं के ऊपर भी है। और ये सब पूरे सिस्टम के सब ये हालत है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी ये काम रुकने मुश्किल है। आपकी गली में गेट भी लगे हुए हैं, ये कैमरे भी लगे हुए हैं, उसके बाद भी ये हाल है? गेट और कैमरे तो एक लिमिटेड ही है ना, उनके काम करने का बहुत लिमिट में रोक सकते हैं। अब रात को 11:30 बजे मैं गली के गेट लॉक कर देता हूँ, लेकिन सुबह अगर 7 बजे कोई चोरी करेगा, पूरी ढेटी कर रहा है बंदा यहाँ पे आके, तो सोचो कि उनका किस लेवल पे मेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं। हमेशा पुलिस का काम होता है उनसे 4 कदम आगे मेंटल लेवल सोच रखना अपनी, तब इन चीज़ों को रोक सकते हैं। कैसे जाएंगे आप आगे प्रशासन से? अभी प्रशासन से तो हम ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं करते कि प्रशासन अपनी जगह मजबूर रहता है, पुलिस वालों को और ड्यूटीज़ कर दे रखी है जिनकी ड्यूटी दे रखी है, और कमियाँ सब तरफ हैं। कमियाँ अगर हम पुलिस को दोष देते हैं, कमियाँ पुलिस में है, तो कमियाँ सबसे बड़ी कमी तो मैं जनता की मानता हूँ। जनता जब पैसे देने वाले पैसे खर्च करने वाले नेताओं को वोट देगी, तो वो अपने मतलब वोट कमाने के लिए सबका मिसयूज करेंगे, और पुलिस का मिसयूज भी करेंगे। आप देख रहे हो सारी एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है, चाहे वो CBI है, ED है, IT है, सबका मिसयूज हो रहा है। तो जनता को पहले जागरूक होना पड़ेगा। जनता जब तक सीधी सोच नहीं रखेगी, काम करने वाले बंदों की पहचान नहीं करेगी, कौन बंदा काम कर सकता है, उसको वोट नहीं देगी, जब तक हम ये झाड़ू और अंधभक्ति नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मोदी की अंधभक्ति है। और पहले मैं तो आम आदमी पार्टी से संपर्क रखता हूँ, बहुत क्लोज नजर रखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि केजरीवाल के भी कुछ अंधभक्त पैदा हो गए हैं। तो दोस्तों हमें अंधभक्ति नहीं करनी है, किसी पार्टी की भक्ति नहीं करनी है, हमें फूल झाड़ू से कोई मतलब नहीं हमारे को। जो बंदा काम करे उसकी सपोर्ट करो, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो चाहे कोई भी हो। जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है हर लेवल के ऊपर, और रात और 8W का तो लोग 8W में भी जो काम करने जाते हैं उनके भी सहयोग पूरा नहीं करते। एक 8W है फ्री सेवा आपके लिए कर रही है, तो अगर उनको आप सहयोग करोगे तो काम और अच्छे हो सकते हैं। तो कमियां सब तरफ है, सबसे पहले मुझे अपनी कमियां ठीक करनी है समाज, तब उसके बाद हम पुलिस को भी दोष दे सकते हैं और नेताओं को पकड़ सकते हैं। अगर आपने वोट सोच समझ के दिया तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। और इसके बाद एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी चीज़ कमी आ रही है हमारी न्यायिक व्यवस्था में। कोई केस कोर्ट में चला जाता है तो 20 साल फैसले नहीं होते,
उसकी वजह से हर चोर के घोंसले बुलंदा कोई आता है कि जो खून करके चला जाता है उसको कोई डर नहीं है, मेरा केस हो जाएगा, 10 साल 20 साल लगते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो न्यायिक व्यवस्था है इसको ठीक करना ये भी नेताओं के ही हाथ में है। तो वो जान बुझ के नहीं करते कि भ्रष्टाचार करते चार करते पकड़ेंगे 50 साल केस चलेगा तब तक मर जाएंगे पैसे। तो सिस्टम को ठीक करना, अल्टीमेटली जनता ही मालिक है, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी आप नहीं रोक सकते उस चीज़ों को। फिर भी हमारी एक आंदोलन करने की पूरी कोशिश रहेगी कि हम जितना सुधार होंगे हम करेंगे। धन्यवाद जी। ये प्रेसिडेंट हैं महावीर गली में जाकर, तो इन्होंने ये बोला कि सारा जो सिस्टम है प्रशासन पुलिस और जो जनता जागरूक नहीं होगी उसके अलावा कुछ नहीं होता। ये कुर्ता सिलना है मेरे साइज का। अच्छा एक मिनट हाँ मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ हाँ छोड़िए, हाथ हाथ ऊपर कीजिए। मैं बाद में आती हूँ ना, अभी कर लेते हैं वो बाद में आती हो जाएगा। सुनिए ना रिया दीदी, आपकी दुकान छोटी है मगर हुनर बड़ा है, एक बड़ी दुकान लेके आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ाती? लेकिन मनी बाबू पैसे कहाँ से लाए? दिव्या दीदी, सरकार की कई सारी स्कीम्स मेहनती व्यापारियों के लिए तो है। अच्छा, लेकिन क्या हम जैसों के लिए भी कोई स्कीम है? बिल्कुल, CGTMSE की क्रेडिट गारंटी स्कीम है ना, उसकी जानकारी लीजिए और फाइनेंस कंपनी से आर्थिक सहायता लेकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। भारत में हर रोज हजारों लघु उद्योग शुरू होते हैं मगर जानकारी ना होने की वजह से ये इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने विकास को गति दें। मनी ज्ञान से जीवन आसान। डॉक्टर साहब, सवेरे जो चोरी हुई है तो आपने शायद देखा है उन लोगों को, क्या हुआ था? सर मैंने सामने से ही देखा है, गेट के बाहर खड़े हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। हमें तो ये लगा कि घर में कोई काम करा रहे हैं। कितने लोग थे? 3 लोग थे वो। अच्छा, एक ने वूलन वो पहनी हुई थी कैप, दो बिल्कुल ओपन फेस थे। हाँ जी, मतलब यंग थे, 5-6 फुट के थे सारे, 5-6 फुट के बीच के थे। अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, क्यों खड़े? तो आपसे उन्होंने कुछ पूछा भी? हमारे से क्या लेना देना, पूछने वाली बात होती तो 10 बंदे आगे पीछे आ जा रहे थे उस टाइम। अच्छा, 7 बजे का टाइम था। अब 7 बजे भी कोई पूछता किसी से क्यों खड़ा भी इसके गेट के आगे? तो आपको कुछ लगा कि शक लगा कि कोई? क्यों नहीं लगता भी यार, 7 बजे ये क्यों, कोई काम करा रहे हैं क्या? करा रहे होंगे, फिर बंदा यही कह देता है ना, भी कोई काम करा रहे होंगे घर में, तभी तो आ जा रहे हैं। या अच्छा। तो भी हमारी इतनी ज्यादा इनसे होती इंटीमेसी भी, हम घुस के चले जाते। तो उन्होंने कहते हैं कि मास्क भी लगाया हुआ था? नहीं, मास्क किसी ने नहीं लगाया हुआ था मेरे हिसाब से। अच्छा, कैप जरूर पहन रखी थी। हाँ हाँ, तो चेहरे मतलब पहचाने जा रहे थे उनके? मतलब चेहरे क्या पहचानेंगे अब हम, कोई आइडेंटिफाई तब करते ना बंदा पर्टिकुलर देख रहा हो। वो तो सीसीटीवी में आ ही गया है मेरे ख्याल उनका। हाँ, शायद तो उनके कैमरों में आ गया, वो सामने खड़े होते हैं, उनको पता है ये पार्क गया तो खुला क्यों पड़ा है। उनको तो डायरेक्ट इमीडिएट स्ट्राइक कर सकता था माइंड में, सामने वाले मकान में जो लोग रहते हैं, पर उन्होंने नहीं ध्यान दिया। तो आपकी कहीं इस गली में, आप इसी गली में रहते हैं, बड़ी चोरियां पहले भी हुई हैं कोई? चोरियाँ तो स्कूटर 2-3-4-5 बार हो गई है। अच्छा। मेरी स्कूटर चोरी हुई है। हाँ जी। दूसरे की हुई है, उधर से किसी की बैटरी उड़ी है गाड़ी। अच्छा, तो मतलब ये छोटी मोटी चोरियाँ होती रहती हैं यहाँ पे? सर रूटीन में है ये तो, देख लो अब आप 6 महीने में इसकी बैटरी में तो चोरी हुई थी, पूरी अपना मोटर भी तो चोरी कर से मोटर चोरी हो गई। वो तो पीछे होती थी, अब तो 3-4 साल से नहीं हो रही है। नहीं वो तो हुई तो है ना। हां, 3-4 बार हुई भंडारे की, सारी वो बैटरी भी चोरी हुई है, तीनों की। अच्छा, ठीक है सर। वो तो मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है गली में। हमारे साथ अमित कोहली हैं जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, इलाके में काफ़ी चोरियाँ हो रही हैं सर? सर जी, चोरियाँ हर जगह आजकल, दिल्ली पुलिस का स्टाफ मुस्तैदी से वैसे काम करता है। सुबह मैं भी पार्क जा रहा था तो दो इनके कांस्टेबल मेरे को नज़र आए, उन्होंने डंडा पकड़ रखा था हाथ में। सुबह लगभग 6 बजे का टाइम था, मैं पार्क जाते हुए, तो मैं जब वापसी आया तो मुझे यहाँ से कॉल आई कि यहाँ पर हमारे बहुत ही हमारे बुजुर्ग रहते हैं सुभाष कालरा जी, उनके वो भी सुबह पार्क गए लगभग 6:30 बजे, तो वापसी आए तो उनके घर का दरवाज़ा टूटा हुआ, अंदर जाके मैंने देखा तो पूरी अलमारियाँ, बेड सब खिलरा पड़ा था, अंदर से तिजोरी में से सामान जो उनका कीमती सामान था वो निकाल कर वो चोर ले गए और
बल्कि ये कहने की बात है कि वो बड़े कॉन्फिडेंस से यहाँ पर तीन चोर आए मोटरसाइकिल पर, उनकी पूरी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है, और एक ने टोपी लगा रखी थी और बड़े कॉन्फिडेंस से गेट उन्होंने तोड़ा और अंदर जाके उन्होंने पूरी चोरी की और बाहर आते जाते भी रहे और लोग देखते रहे। मगर मेरा स्थानीय निवासियों से, मेरा जो क्षेत्र निवासी है, मेरा उनसे एक अनुरोध है कि आप कोई सा भी बाहर का व्यक्ति अगर आपके घर के बाहर या अड़ोसी पड़ोसी के घर के बाहर आपको घूमता नज़र आए या संदिग्ध व्यक्ति नज़र आए तो कृपया उसे जरूर टोकें, क्योंकि ये टोकना एक उसके मन में हो जाता है कि ये शायद जानकार है उनका या पड़ोसी है, रिश्तेदार है, क्योंकि वो अपन यहाँ पर जब वो चोरी कर रहे थे बाहर आ जा रहे थे, किसी ने टोका नहीं उनको, तो वो आसानी से ये काम चोरी करके चले गए। तो मेरा यही सभी निवासियों से मेरा कहना है कि अपने आस पड़ोस का अपना, क्योंकि किसी का अगर आप भला करोगे तो आपका भला अपने आप होने वाला है, यही मैं आप सभी क्षेत्रवासियों से कहने वाला हूँ। दिन दहाड़े 6 बजे चोरी हो जाना तो बड़ी हैरानी की बात है। ये 7 बजे 7:15 वही 6:30-7 बजे का समय है, और मैं कहता हूँ सब लोग पब्लिक होती है, यहाँ इतना बड़ा बाजार लगता है, फ्रूट मंडी लगती है, और आराम से मोटरसाइकिल पे आकर यहाँ पर उन्होंने पूरा यहाँ चोरी का उन्होंने काम अंजाम दिया। बहुत बुरी देखी की गई होगी, क्योंकि इनको पता होगा कि ये पार्क डेली जाते हैं, डेली पार्क जाते हैं। तो दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ कि अपना अपने क्षेत्रवासियों का, क्योंकि अभी वो बुजुर्ग थे, हो सकता है वो अंदर आते शायद उनको कुछ और भी, तो ये पैसे की या कोई सामान की तो बहुत इतनी नहीं है, अगर कुछ और हो जाता तो अनहोनी हो जाती, तो उसमें बड़ा हमारे को झेलना पड़ता। इसलिए मेरा दोबारा से खासकर बुजुर्गों से, जो बुजुर्ग परिवार है अड़ोस पड़ोस के, उनका ध्यान रखें। धन्यवाद। क्षेत्रवासी, ये पुलिस ने नंबर मार्क किया है, जो क्राइम ब्रांच वाले यहाँ पे आए थे। ये यहाँ पे सीसीटीवी भी लगा हुआ है सामने, लेकिन अभी तक उसकी जो रिपोर्ट है वो मिली नहीं है। पुलिस के पास है लेकिन अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसकी। ये गेट पे 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, एक इस डायरेक्शन में है सामने की, और एक दूसरी तरफ रोड की तरफ डायरेक्शन में है, और यहाँ पे इस गेट से वो उनकी एंट्री हुई थी, यहाँ पे चोरों ने यहाँ से एंट्री की थी। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि बाइक का नंबर भी उसमें आ गया है सीसीटीवी में, लेकिन अभी ये इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। सच न्यूज़ 24/7 से प्रकाश सर शो कर। नमस्कार।